हेलो एवरीवन आई होप आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलिजाबेथन पोएट्री आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एलिजाबेथन पोइट्री पोइट्स ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री एंड फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एलिजाबेथन एज क्वीन एलिजेथ द फर्स्ट का टाइम पीरियड है जो कि 1558 से 1603 के दरमियान में है इसे इंग्लिश हिस्ट्री में गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस एज के अंदर हम रिनासंस देखते हैं यानी कि रिवाइवल और रीबर्थ ऑफ लिटरेचर इसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर मेनली थी इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश पोइट्री इस एज के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ी और लिखी जाती थी इसलिए इसे इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर गोल्डन एज कहा जाता है ये और इसे रेनेसेंस एज भी कहते हैं हम एज ऑफ रीबर्थ एंड रिवाइवल एलिजेथन एज क्योंकि 1558 से 1603 के दरमियान में थी तो इसे टू पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है फर्स्ट पीरियड है एज ऑफ स्पेंसर जो कि 1558 से 1579 के दरमियान में था और सेकंड पीरियड है एज ऑफ शेक्सपियर जो कि 1579 से 1603 के दरमियान में था अब फर्स्ट पीरियड में हम देखते हैं प्रेपरेशन लिटरेचर का जो उरूज था जो फेम था अभी स्टार्ट हुआ था और सेकंड पीरियड में हम देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर फुल उरूज पर थी फुली फेमस हो गई थी लोग इसे पढ़ने लग गए थे और इस फेम के पीछे बहुत ज्यादा फैक्टर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया जिसमें नंबर वन पर था रिवाइवल ग्रीक और रोमन लिटरेचर मिथ्स कल्चर इन सब ने इंस्पायर किया राइटर्स को जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने लिखना शुरू किया और उसके अलावा ह्यूमन माइंड की अवेकनिंग, इंसान ने सोचना शुरू किया, समझना शुरू किया, किया, समझना और उसकी बेस पर उसने एडवेंचर शुरू किए दुनिया के उसके अलावा पोइटिक सेंसिबिलिटी उरूज पर थी लोग सीखना चाहते थे इसलिए वो लिखते थे उनके अंदर एस्थेटिक वैल्यूज पैदा हो गई थी क्योंकि पंद्रवी सदी के अंदर हम देखते हैं कि इंग्लैंड एक पोइटिकली बैरन यानी के लैंड थी वहां पर कोई भी लिटरेचर लिखा या पढ़ा नहीं जाता था उसके बाद जब रिवाइवल हुई रनेसेंस एज स्टार्ट हुई तो लोगों के अंदर उम्मीद की एक किरण जागी आर्ट के लिए लर्निंग के लिए इसलिए इस एज में बहुत ज्यादा पोइट्स और सिंगर्स ने लिखना शुरू किया और वो सामने आए और इस एज को नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स का नाम मिला इस वंडरफुल फर्टिलिटी और प्रोडक्शन की वजह से या एलिजाबेथन एज को हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर ग्रेटेस्ट एजिस में से एक माना जाता है एलिजेथन पोइट्री अपनी कम्प्लेक्स फॉर्म्स रिच इमेजरी और वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस थी और जानी जाती थी उन टॉपिक्स में थे लव ब्यूटी पॉलिटिक्स नेचर एटसेट्रा इस बेसिस पर एलिजेबे पोएट्री को लिखा जाता था एलिजेबे पोइट्री के अंदर फेमस पोइट्स कौन कौन से थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया एज के अंदर पोएट्री को फेमस करने में उसमें सबसे पहले हैं सर थॉमस व्यार्ट और अर्ल ऑफ सरे इन दोनों ने रोल प्ले किया सोनेट फॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाने में सर थॉमस व्यार्ट इटली से सोनेट को इंग्लैंड में लेकर आए और वहां पर उन्होंने पेट्रार्कन सोनेट की फॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया उसके बाद शेक्सपियर ने उसको इंग्लिश सोनेट में कन्वर्ट किया और अर्ल ऑफ सरे ने भी बहुत रोल प्ले किया इंग्लिश के अंदर सबसे पहले सोनेट के अलावा लिरिकल पोइट्री भी बहुत फेमस थी एलिजेबे एज में जिसके अंदर फेमस पोइट थे सर फिलिप सिडनी सर फिलिप सिडनी ने बहुत सारे फेमस वर्क लिखे लिरिकल पोइट्री के अंदर नेक्स्ट फेमस पोइट है विलियम शेक्सपियर जिनके नाम से इस एज को जाना जाता है शेक्सपियर ड्रामाटिस्ट होने के साथ साथ एक पोइट भी थे और इन्होंने अपनी लाइफ में 154 फिफ्टी लिखे और सोनेट को इंग्लिश सोनेट के नाम से फेमस किया इसलिए सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है इन्होंने सोनेट के अंदर एक लड़की एक राइवल पोइट और एक डार्क आइड ब्यूटी के ऊपर बात की है तो सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है क्योंकि शेक्सपियर बहुत फेमस थे उस एज में और उन्होंने इसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स भी तो विलियम शेक्सपियर के।, के बाद सबसे फेमस पोइट स्पेंसर स्पेंसर ने अलिजेबे एज को इंट्रोड्यूस करवाया मतलब ये कि 1579 में उन्होंने एक वर्क लिखा कैलेंडर जो कि एक पोइम थी बारह किताबों पर मुश्तमिल और हर किताब के अंदर साल का एक महीना इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो ये बहुत फेमस थे उन्होंने एक और ग्रेटेस्ट वर्क लिखा द क्वीन जो कि हम आज भी पढ़ते हैं जिसके बारे में इस वर्क की छह किताबें आज भी मौजूद हैं स्पेंसर ने बारह किताबें लिखने का प्लान बनाया लेकिन वो सिर्फ सिक्स बुक्स ही कम्प्लीट कर पाए ये एक एलेगोरिकल वर्क है एलेगोरी किसको कहते हैं एक ऐसा वर्क जिसके अंदर कोई हिडन मीनिंग हो तो ये एक एलेगोरिकल वर्क है जिसके अंदर तीन मेन थीम्स हैं पॉलिटिकल, मॉरल एंड टेल तो एडमन स्पेंसर भी फेमस पोइट्स में से एक है एलिजेबे एज के उसके अलावा मेटाफिजिकल पोइट्स भी बहुत ज्यादा फेमस थे मेटाफिजिकल पोइट्स और सोनेट पे मेरी अलग से वीडियोस हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोग वो देख सकते हैं तो मेटाफिजिकल पोएट्री बहुत ज्यादा फेमस हुई थी उस एज के अंदर जब सोनेट और लिरिकल पोएट्री की फेम थोड़ी कम हुई तो कुछ राइटर्स जो हैं, वो नमोदार हुए और उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री लिखना शुरू की जो कि पिछली फॉर्म ऑफ पोइट्री से थोड़ी डिफरेंट थी इसके अंदर स्टाइल और स्ट्रेंज इमेजेस यूज की जाती थी मतलब ट्रिक्स यूज की जाती थी पोइट्स जो हैं वो पहले से बेहतरीन कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे थे तो मेटाफिजिकल पोइट्री बहुत फेमस थी जिसके अंदर फेमस पोइट थे जॉन डन के अंदर तो मेटाफिजिकल पोइट्री उस एज में बहुत ज्यादा फेमस थी सोनेट और लिरिकल पोइट्री के बाद अब पोइट्स के बाद है फीचर्स ऑफ एलिजेबे पोइट्री जिसमें नंबर वन पर है फॉर्म्स किस फॉर्म में पोइट्री लिखी जाती थी जिसमें है सोनेट नेरेटिव और एपिक सोनेट फॉर्म जैसे हमने पहले पढ़ा बहुत ज्यादा फेमस थी सर थॉमस ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लैंड में सोनेट पे मेरी अलग से वीडियो है डिटेल्ड लिंक मैं दे दूंगी आप उसको देख सकते हैं तो सर थॉमस वियार्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया उसके अलावा फेमस सोनेटियर्स से सर फिलिप सिडनी एडमंड स्पेंसर विलियम शेक्सपियर इन्होंने भी बहुत फेमस सोनेट्स लिखे हैं सोनेट के बाद है नेरेटिव एंड एपिक पोएट्री एपिक पोइट्री और नेरेटिव पोइट्री भी बहुत ज्यादा लिखी जाती थी एलिबेन एज में जैसा कि द फेरी क्वीन एक एपिक वर्क है उसके अलावा वेनेस एंड एडोनेस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्री बाय शेक्सपियर ये भी एक नेटिव एंड एपिक वर्क है तो नेरेटिव और एपिक पोइट्री भी लिखी जाती थी इस एज के अंदर तो सोनेट नेरेटिव एंड एपिक फॉर्म्स बहुत ज्यादा फेमस थी एलिजेबेथन एज में फॉर्म्स के बाद हैं थीम्स एलिजेबेथन एज में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बेस्ड वर्क्स बहुत ज्यादा फेमस थे क्योंकि राइटर्स लोगों की सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ पे बेस्ड कहानियों को लिखते थे और उसके पीछे इंस्पिरेशन थी क्लासिकल वर्क्स क्लासिकल वर्क से इंस्पिरेशन लेते थे थीम्स को लेते थे राइटर्स लिखने के लिए उसके अलावा थे आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म फ्रीडम फ्री स्पीच ह्यूमनिज्म बहुत ज्यादा डोमिनेटेड थे लिटरेरी वर्क्स के अंदर उसके अलावा रोमांसिस मेटाफर्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था एक्सपेरिमेंटेशन होती थी इनोवेशन होती थी तो ये सब चीजें थी ये ओवरऑल थीम्स थे एलिजेबे पोइट्री के और थीम्स के बाद है स्टाइल एलिजेबन एज में ब्लैक वर्स बहुत ज़्यादा फेमस थी ब्लैक वर्स को यूज़ किया जाता था राइटर्स इसे यूज़ करते थे अपने वर्कस को लिखने के लिए और इसको यूज़ करने का मकसद ये था कि पोइट्स को आज़ाद करना मतलब ये राइम के पैटर्न से आज़ाद करना और वो ब्लैक वर्स में लिखते थे और ब्लैक वर्स पोइट्री में नहीं ड्रामा में भी यूज़ होती थी जैसा कि क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और एलिजाबेथन एज के बाद भी राइटर्स इसको इस्तेमाल करते थे तो ब्लैंक वर्स एलिजाबेथन एज के अंदर फेमस स्टाइल था पोइट्री को लिखने का तो ये है एलिजाबेथन पोइट्री इसके फेमस पोइट्स और फीचर्स तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज